हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर थ्रोटिंग गेमिंग। मेरा नाम है प्रियम अरोड़ा और आज हम करने वाले हैं एक और नए गैजेट जो कि है अमेजोन बेसिक्स का ट्राईपॉड। इसका नाम एक सेकेंड, नाम इसका है ही नहीं, अमेजोन बेसिक्स का 15 इंच लाइट वेट ट्राईपॉड विद बैग। तो ये है अपना अमेजोन बेसिक्स का नया ट्राईपॉड जो कि अगर आप पिछली वीडियो को देख के इसको वीडियो को आने हैं तो इसका मतलब आपको पता होगा। मैं इसको खोल के अभी कम से कम नहीं तो 30-40 बार तो यूज़ कर ही चुका हूँ। मतलब यूज़ इतना नहीं करा लेकिन मैं इसको खोल के टेस्ट जरूर कर चुका हूँ क्योंकि ये ओपनेबल है, बड़ा मतलब एडजस्टेबल इसकी हाइट है। तो मेरे को लग रहा था कि ये ख़राब होएगा लेकिन मैं मतलब जिस हिसाब से मैंने 30-40 बार इसको यूज़ करा है मेरे को नहीं लगता ये ख़राब होने वाला है क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अमेजोन बेसिक्स का मैंने तभी देख के मंगवाया था क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे ऑप्शंस थे। एक तो डिजिटेक था और एक SVCO कुछ ऐसी कंपनी थी, मतलब 2-3 ऑप्शंस मैंने चेक कर रखे थे। इसका इसलिए देख के मंगाया, एक तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और ऊपर से अमेजोन बेसिक्स की क्वालिटी हमेशा ही बढ़िया होती है। तो चलो इसको खोल के एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये डब्बा है, इसके ऊपर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है और ये इस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ, हाँ सॉरी। तो अपना इसको हम खोल लेते हैं। MRP इस पर लिखी हुई है 1815 यानी 1815 रुपये, लेकिन ये मैंने ख़रीदा 699 में। अब ये इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्काउंट है, 650 के आसपास ये मिल रहा है इस टाइम पर मार्केट में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें बस इस डब्बे पे तो और कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ ज़्यादा इस पर लिखी नहीं थी। ये ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर बैग और एक इंक्लूडेड है, इसके अंदर अपना ट्राईपॉड है। स्पेसिफिकेशंस इसके होंगे अपना ये डिजिटल और स्टिल फोटोग्राफी और वीडियो वगैरह के लिए भी ये सूटेबल है। 15 इंच तक इसकी हाइट बढ़ जाती है। लाइट वेट एल्यूमिनियम इसका मटेरियल यूज़ है। ये बैग भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको आप ऐसे हैंग करके अपने कंधे पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल है। मैं इसको 2-4 बार अलग अलग जगह पे ले जा चुका हूँ तो मेरे को अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर और फिनिश बहुत ही अमेजिंग है। इसको देख के ऐसे फीलिंग नहीं आती कि ये इतना सस्ता ट्राईपॉड है। मतलब 700 के लिए, तो एक ट्राईपॉड के लिए तो 700 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ट्राईपॉड बहुत ही महंगे महंगे आते हैं। आप अमेज़ॉन पे भी जाओगे, ट्राईपॉड सर्च करोगे, बहुत ही महंगे महंगे ट्राईपॉड होते हैं। तो 700 इज़ नॉट मच फॉर अ ट्राईपॉड, मतलब है बजट रेंज है लेकिन ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हिसाब से। तो 3 सेक्शंस लेवर लॉक लेग्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे, यहाँ से भी ओपन होएगा, यहाँ से भी ओपन होएगा, तो तभी जाके इसकी 15 इंच से ऊपर भी हाइट उसकी हो कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। जीपर बैग इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्विक रिलीज प्लेट है, रिलीज प्लेट हम इसको कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना ऐसे खुल जाती है। पर अगर आपके पास, अगर आप ये ट्राईपॉड परचेज़ करते हो तो ये जो प्लेट है ना इसको प्लीज़ गुम मत करना क्योंकि ये प्लेट आप दोबारा किसी से परचेज़ नहीं कर सकते। ये दूसरे प्लेट मिलते नहीं है, आपको ट्राईपॉड ही नया लेना पड़ेगा लेकिन ये प्लेट नहीं मिल पाएगा। और इस प्लेट के बगैर ट्राईपॉड इज़ बेकार, बिल्कुल ज़ीरो, कोई ट्राईपॉड का इसके बिना कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपना ट्राईपॉड है, खोलने के बाद कुछ है ऐसा लगता है। इसके अंदर ये जो 3 लेवल लॉक्स हैं, लेग्स हैं, इसको हम खोलेंगे जैसे कि ये बड़े आसानी से खुल जाते हैं ऐसे करके, और ऐसे करके लॉक भी हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसको, ये जो इसका मूवमेंट के लिए यूज़ होता है इसको ऐसे अनस्क्रू टाइप करेंगे हम, और ये ऐसे करके ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे एक लेवल के लिए वो भी दे रखा है, इसको मेरे को नहीं पता इसको हम क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसको क्या बोलते हैं। बट ये लेवल के लिए होता है, इसके अंदर एक बबल होता है, ये बिल्कुल बीच में आ जाए तो इसका मतलब बिल्कुल लेवल आपका परफेक्ट है। तो ठीक है, अगर हम अब हम इसको यहाँ पे स्क्रू कर देंगे तो ये बिल्कुल सेट हो गया। इसके यहाँ पे भी स्क्रू है, अब इसको ये वाला स्क्रू इसका खोलेंगे तो ये ऊपर नीचे हो पाएगा जिससे इसकी हाइट एडजस्ट होगी। इसको हम टाइट कर दे रहे हैं, ये वाला स्क्रू आप इसका खोलेंगे तो इससे ही ऐसे मूव कर पाएगा, जिस भी साइड में आपको रखना है आप ऐसे रख सकते हैं। अभी हम इसको टाइट कर देते हैं। तो चलिए अब मैं इसको पूरे तरीके से 15 इंच जैसे इसका होता है मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं ये ट्राईपॉड का ऊपर वाला हेड हो गया, तो यहाँ पे अपनी वो ट्राईपॉड की एडजस्टमेंट होती है वो लगेगी। और अब आप देखें
ये बिल्कुल नीचे तक अपना ट्राइपॉड एक्सटेंड हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस ट्राइपॉड का ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये जो मैं आपको बता रहा था मेज़र करने के लिए जो यूज़ होता है लेवल के लिए, और ये वाले स्क्रूज़ हैं इसके ऊपर। अभी मैं इसके ट्राइपॉड के एडजस्टमेंट भी लगाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा इसमें इसकी कितनी प्यारी मैट फिनिश है, और इसका कलर भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। इसी वजह से मेन रीज़न तो मेरा यही था एक्चुअली कि मैंने ये वाला ट्राइपॉड लिया है। और तो ये ट्राइपॉड अपना पूरा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो इसके ऊपर ये एडजस्टमेंट लगाने के बाद इसके ऊपर अपना फ़ोन लगा दिया। एडजस्टमेंट जो ये ट्राइपॉड के जो एडजस्टमेंट है वो मेरे को इसके साथ नहीं मिली थी, अपने डिजिटेक का जो ट्राइपॉड है जिसके साथ मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो उसके साथ मेरे को ये मिला था। अभी मैं इसका फ्रंट कैमरा ऑन करके आपको दिखा भी देता हूँ वो ट्राइपॉड मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो यस, ये है अपना डिजिटेक का ट्राइपॉड रेड एंड ब्लैक कलर का। इसके साथ मैं अपने दूसरे फ़ोन के साथ ये एडजस्टमेंट लगा के शूट कर रहा हूँ। माइक मेरे साथ में लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे करके ये बिल्कुल ट्राइपॉड अपना 15 इंचज़ के आसपास की हाइट से हो जाता है। और ये रील्स के एडजस्टमेंट के लिए अभी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम नॉर्मल वीडियो शूट कुछ या कुछ और भी करना हो तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे और इसको स्क्रू कर देंगे, तो ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया। तो स्टिल फोटोग्राफी या वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस या रील्स, कुछ भी इस टाइप की वीडियोस आप इससे शूट कर सकते हैं। फोटोग्राफी का जिसको शौक है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी फिनिश बहुत ही प्यारी है, मैट कलर की इसकी मैट फिनिश है और ब्रोंज का कलर है इसका। अमेज़ॉन बेसिक्स की इसके ऊपर ब्रांडिंग बनी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी कलर और इसकी फिनिश की वजह से मेरे को ये ट्राइपॉड बहुत पसंद आया था, और अमेज़ॉन बेसिक्स जैसे आपको मैंने बताया इसकी कंपनी है, तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हाइट इसकी बहुत ही अच्छी थी इसके बजट के हिसाब से। मैं आपको इसका MRP फिर से बता दूँ एक बार, 699 में मैंने इसको परचेस किया था। 649 के आसपास इसकी रेंज अभी चल रही है अमेज़ॉन पर। मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। नीचे बेसबल लिंक आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसके प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ट्राईपोड है। बाकी और आपको ट्राईपोड अगर आप चेक करना चाहते हो, मैं इसको डिजिटेक वाले का लिंक भी नीचे डाल दूंगा। दो तीन और ट्राईपोड्स का लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आपको जो उनसे पसंद आया आप वो ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फटाफट से। 110 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो फटाफट से हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है हमारा, हमें फटाफट से वो करने हैं। आई नो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।